और इस वक्त आगरा में भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। 55 भ्रष्ट पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में ढिलाई बरतने का आरोप है। थोड़ी देर पहले जो हम बात आपको बता रहे थे, जो तमाम बड़े पॉइंट्स थे, अब वो अमल होते हुए, इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू आगरा पुलिस स्टेशन, हरिपरवत, शाहगंज, कमला नगर पुलिस स्टेशन में तैनात 4 सब इंस्पेक्टर इसमें शामिल है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 55 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही के आरोप में इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत मांगने और दूसरे कामों में लापरवाही की शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। इसके बाद भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया है। आगरा कमिश्नरेट बनने के बाद इतनी बड़ी विभागीय कार्रवाई हुई है। अलग अलग जोन में हुई इस कार्रवाई में दरोगा, सिपाही और मुंशी शामिल हैं। निलंबित पुलिस वाले पासपोर्ट सत्यापन में सबसे ज्यादा वसूली के मामले में आरोपी हैं। पासपोर्ट वसूली में 4 दरोगा और 12 सिपाही आरोपी हैं। योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, और ये कार्रवाई उसका सबसे सटीक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।